दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज़ की थी, एनालिसिस की थी और एंट्रीज़ पास की थी, और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस ट्रांजैक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 7 में है बोरोज रुपीज़ 5000 फ्रॉम मिस्टर एन। तो मिस्टर ए जो बिजनेस का ओनर था, उसने 5000 रुपये मिस्टर एन से बोरो किए। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? 5000 रुपये जब मिस्टर एन से बोरो किए तो कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि कैश आ रही है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और मिस्टर एन अकाउंट भी इन्वॉल्व है, या आप इसे लोन फ्रॉम मिस्टर एन अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने उसे लोन लिया है, लोन फ्रॉम एन। तो ये दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो कैश जो है वो तो रियल अकाउंट है, क्योंकि वो एसेट है और वो बिजनेस में आ रही है, लोन लिए हमने, पैसे लिए हैं, तो वो डेबिट होगी। और लोन जो है, लोन फ्रॉम मिस्टर एन अकाउंट, वो मिस्टर एन अकाउंट की जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, मतलब वो एक पर्सनल अकाउंट है। और ये पैसे जो बिजनेस में आए हैं 5000, वो मिस्टर एन ने दिए हैं, तो मिस्टर एन गिवर है। और पर्सनल अकाउंट के केस में मिस्टर गिवर जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचें तो कैश एसेट है और एसेट की वैल्यू में जो इंक्रीज है वो डेबिट होता है। और अगर आप लोन फ्रॉम मिस्टर एन को देखें तो लोन फ्रॉम मिस्टर एन जो है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि लोन लायबिलिटी हमें रिपे करना है फ्यूचर में, और लायबिलिटी में भी इंक्रीज हुआ, एक नई लोन आई है बिजनेस में, तो लायबिलिटी में कोई इंक्रीज जो होती है वो मॉडर्न अप्रोच के तहत वो क्रेडिट होती है। तो जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एन अकाउंट, और वैल्यू होगी 5000। अब आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹350। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो तो एक्सपेंस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है, और ₹350 पे किए, मतलब कैश भी इन्वॉल्व है, कैश यूज करके पे किया है, तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस है, तो ये जो है वो डेबिट होगा। और कैश अकाउंट जो है वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल्स के हिसाब से जो है वो रियल अकाउंट है, और वो गोज आउट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो कैश जा रही है ₹350, तो गोज आउट तो क्रेडिट होगी। अब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न अप्रोच से देखें तो एक्सपेंडिचर जो है उसमें यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगा। और कैश अकाउंट जो है वो एसेट है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है, कैश पे कर रहे हैं, एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वैल्यू है 350। अब अगली ट्रांजैक्शन है सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी ₹3200 ऑन क्रेडिट। तो उधार में बेचा है गुड्स मिस्टर बी को ₹3200 का। तो आइए देखते हैं, इसमें एक अकाउंट तो जो है वो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि गुड्स बिका है, और दूसरी अकाउंट जो है कैश तो दिया नहीं है मिस्टर बी ने, उधार में माल खरीदा है, तो मिस्टर बी जो है कस्टमर का अकाउंट वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक इनकम है, तो इनकम्स जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। और मिस्टर बी अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है, और इसने गुड्स खरीदा है तो गुड्स रिसीव किया है, इसने, मिस्टर बी ने गुड्स रिसीव किया है, तो पर्सनल अकाउंट है, तो वो रिसीवर है, रिसीवर है, तो वो डेबिट होने वाला है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मॉडर्न अप्रोच में देखें तो सेल्स जो है वो आपकी इनकम है, और इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो होगा क्रेडिट। और मिस्टर बी अकाउंट जो है वो आपका एसेट है, क्योंकि डेटर है, उससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, एक क्लेम है कि मिस्टर बी से अब आपको ₹3200 मिलेंगे, तो वो आपका एसेट हुआ, एसेट में भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट होगी। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी
मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब वैल्यू होगी 3,200। अब आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। पेस पी एंड कंपनी कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो पी एंड कंपनी से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, आइए देखते हैं कितना। बायस गुड्स फ्रॉम पी एंड कंपनी फॉर ₹7,000। तो 7,000 के गुड्स खरीदे थे, तो 7,000 पी एंड कंपनी को हमसे मिलना था, तो फुल सेटलमेंट मतलब ये पूरा अमाउंट हम सेटल कर देंगे, तो उसे ₹7,000 पे कर देंगे। तो चलिए, तो ₹7,000 पे करेंगे तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और पी एन कंपनी को पे करेंगे तो पी एन कंपनी अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखिए, कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट बिजनेस से जा रही है तो वो तो हो जाएगी क्रेडिट, और पी एन कंपनी अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट है, और उसको ये कैश मिल रही है मतलब वो रिसीवर है, तो वो हो जाएगा डेबिट। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचें तो कैश एक एसेट है, एसेट बिजनेस में डिक्रीज हो रही है तो वो हो जाएगी क्रेडिट, और ये पी एन कंपनी जो थी एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी भी बिजनेस में डिक्रीज हो जा रही है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगी पी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने पैसे 7,000, ₹7,000 में फुल सेटलमेंट हो गई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेज मिस्टर एन रुपीज 5,000 टू पे ऑफ द लोन एंड पेज रुपीज 50 मोर फॉर इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब यहां देखने वाली बात है कि हमने मिस्टर एन से कितने रुपए उधार लिए थे, आइए ऊपर देखते हैं। हमने मिस्टर एन से ₹5,000 उधार लिए थे, बोरोज रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर एन। अब हम उसे चुका कितना रहे हैं, हम चुका रहे हैं 5,000 तो चुका ही रहे हैं, उसको लोन चुका रहे हैं, और ₹50 उसे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं लोन पे। तो यहाँ पे तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व होगी। पहला, हमने टोटल पेमेंट कितनी की, 5,000 प्लस ₹50, ₹5,050। तो पहला जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैश अकाउंट का है, और उसकी वैल्यू होगी ₹5,050, क्योंकि टोटल हमने 5,050 पेमेंट की है। अब मिस्टर एन की जो लोन थी, लोन फ्रॉम मिस्टर एन जो अकाउंट थी, वो भी इन्वॉल्व है क्योंकि लोन ही पे कर रहे हैं, तो लोन फ्रॉम एन अकाउंट भी इन्वॉल्व है, और एक और अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि इंटरेस्ट अकाउंट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, और वो जा रही है, पेमेंट करते हैं तो कैश जाती है, तो वो जाएगी क्रेडिट। लोन फ्रॉम मिस्टर एन अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पैसे किसको दे रहे हैं, इस लोन को चुकाने के लिए ही तो पैसे दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसीवर। ये कैश जो हम दे रहे हैं ये लोन चुकाने के लिए दे रहे हैं, तो लोन फ्रॉम मिस्टर एन, ये लोन फ्रॉम मिस्टर एन जो मिस्टर एन की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो मिस्टर एन को ही पैसे दिए जा रहे हैं, तो इस केस में ये रिसीवर हो जाएगा और वो डेबिट होगा। और इंटरेस्ट जो है ये एक एक्सपेंस है, हमने लोन लिया था 5,000 लेकिन पे करने पड़े ₹5,050, तो ₹50 जो एक्स्ट्रा पे किए इंटरेस्ट के तौर पे, ये बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा। तो आइए देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश जो है वो एसेट है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लोन फ्रॉम मिस्टर एन अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है, अब लोन जब चुका दे रहे हैं तो लाइबिलिटी भी खत्म हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगा। और इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। जर्नल एंट्री आपकी होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, लोन फ्रॉम एन अकाउंट डेबिट 5,000, एक्चुअल लोन 5,000 की थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹50, और कैश कितना पे किया, टू कैश अकाउंट 5,050। देखो डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम हो गया, डेबिट में
5000 और 50 रुपीज़, 5050 और क्रेडिट में कैश 5050, तो डेबिट और क्रेडिट जो है सेम हो गया। इस तरह के जर्नल को जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं, इसे कंपाउंड जर्नल भी कहते हैं। तो इस जर्नल को क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल। आइए अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर बी रिटर्न्स गुड्स ₹500। मिस्टर बी ने जो गुड्स खरीदी थी उसमें से ₹500 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी। तो चलिए इसकी भी एंट्री बना लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। पहली अकाउंट जो इन्वॉल्व्ड है वो है सेल्स रिटर्न। हमने मिस्टर बी को गुड सेल की थी, अब वो जब रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व होगी। और जो ₹500 वो जैसे ही उसने गुड्स लौटा दिए तो उसकी उधारी कम गई, तो मिस्टर बी के अकाउंट को भी ₹500 से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मिस्टर बी का अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है, जैसे सेल्स हमारी इनकम है तो ठीक उसका उल्टा सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है हमारी एक्सपेंस हो जाएगी, और एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट होती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस जो हैं वो हमेशा डेबिट होती है, और मिस्टर बी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में ये गुड्स जो रिटर्न दिया मिस्टर बी ने, तो मिस्टर बी गिवर है, मिस्टर बी गिवर, उसने रिटर्न दिए, ही इज द गिवर, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मिस्टर बी सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सेल्स रिटर्न हो रही है तो हमारी एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं। एक्सपेंसेस एक्चुअल में नहीं बढ़ रही पर कि जो कि इनकम रिवर्स हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस बढ़ रही है, तो एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो रही हैं तो वो हो जाएगा डेबिट। और मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर बी जो हमारा कस्टमर था वो हमारा एसेट था, तो एसेट में भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जो हमें उससे पैसे मिलने थे वो अब ₹500 कम मिलेंगे क्योंकि 500 का सामान तो उसने लौटा दिया, तो एसेट में जो डिक्रीज हो रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो आपकी जर्नल होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू मिस्टर बी अकाउंट 500। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मिस्टर बी ऑन अकाउंट। अब देखिए, किसी कस्टमर ने अगर हमसे कुछ सामान लिया हो तो और अगर उसने उधार में लिया हो जैसे कि मिस्टर बी ने लिया था, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि वो पूरे पैसे एक बार में ना दे, थोड़े थोड़े करके दे। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियली हमने मिस्टर बी को ₹3200 का सामान बेचा था जिसमें से ₹500 का सामान उसने लौटा दिया, तो हमें उससे ₹2700 मिलने थे। 3200 माइनस 500 इज इक्वल टू 2700, तो अभी भी हमें मिस्टर बी से ₹2700 मिलने हैं क्योंकि उधार में 3200 का सामान बेचा था, उसमें 500 का उसने रिटर्न कर दिया, तो 2700 रुपीज़ उससे अभी भी मिलने हैं। तो उस 2700 में से मिस्टर बी ने अभी फिलहाल हमें ₹500 दिए, तो उस ₹500 की एंट्री बनानी है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है क्योंकि कैश आया 500 और मिस्टर बी ने दिए, तो मिस्टर बी अकाउंट भी इन्वॉल्व है। तो कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर बी पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, उसने कैश दिया है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली मॉडर्न अप्रोच में कैश जो है वो एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर बी अकाउंट जो है वो हमारा कस्टमर था, वो भी एसेट था, एसेट में आपकी डिक्रीज हो रही है, डेटर की वैल्यू में उसने पैसे दिए तो डेटर की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, और वैल्यू होगी 500। अब आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री है बायस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एस फॉर कैश ₹5000। तो चलिए ये एंट्री देख लेते हैं, मिस्टर एस से ₹5000 की सामान खरीद ली, तो इसमें तो परचेज अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है क्योंकि परचेज हुआ है, बाय किया है गुड्स को,
और कैश में बाय किया है तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो परचेज अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगी, और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है, और परचेज जो कर रहे हैं तो 5,000 रुपये हमने पे किए हैं तो एसेट की वैल्यू में जो है डिक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगी। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो भी परचेज जो है वो एक एक्सपेंडिचर है जिसमें इंक्रीज हो रहा है तो वो हो जाएगी डेबिट, और कैश जो है वो एक एसेट है और कैश पे किए हैं उसमें डिक्रीज हो रहा है तो वो हो जाएगी क्रेडिट, और आपकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, इसके अगले पार्ट में मैं सारी अकाउंट्स की जो है वो लेजर, इन सारी जर्नल एंट्रीज की जो है वो लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा और फिर हम उसे बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।